मेघनाथ का जब किया लक्ष्मण ने संहार, लंका में होने लगा भीषण हाहाकार। मैतनिया ने जब दृश्य लिखा बेटे बो के जल जाने का, तब उसने घोर विलाप किया ये अवसर था दुख पाने का। उच्च स्वर से डकराती थी बल विक्रम का गुण गाती थी, हा इंद्रजीत हा मेघनाथ हा बेटा कह चिल्लाती थी। होता तारनवास में दिदम वही विलाप, तब ही आप ऊँचाऊ हाँ सुनकर रावण आप। देखो गम की घन घोर घटा महलों में गिरकर आई है, सब मिलकर मातम करती है तन में केसरी बिसराई है। दिल में जो भयभीत था विषम उठी थी ओ पीर, समय देख कहने लगा विषम बांध कर भीर। अज्ञान हुई हो पागल हो क्यों रोकर जान खपाती हो, जब तक मेरे दम में दम है किस कारण तुम घबराती हो। रावण की पटरानी होकर कायर का दृश्य दिखाती हो, उत्तेजित करने के बदले रोकर ही मत उड़वाती हो। मैंने एक यत्न विचारा है उसको करने को जाता हूँ, सुन लेना थोड़े अरसे में क्या चमत्कार दिखलाता हूँ। इस तरह सबों को समझा कर चल दिया वहाँ से दसकंद, चिंता से व्याकुल था व्या पहुँचा सीधा शिव शंकर के मंदिर। आराधना किया सदाशिव की मन को निश्चय कर ध्यान किया, अई रावण के आह्वान को आकर्षण मंत्र विधान किया। मंत्र शक्ति बलवान थी किया का मन मोल, तुरंत गया पाताल में आई रावण मंडोल। हनुमान क्या आई रावण ने रावण क्यों मुझे बुलाता है, क्या उस पर ऐसी भीड़ पड़ी जिसे इतना खुलाता है। आप पहुंचा उस शिव मंदिर पर जिस जय हुआ था आह्वान, आई रावण को आते देखा तब तो आसन से उठा रावण। आसन पर उसको बैठा या दसकंदन ने उसका सम्मान किया, कुशलता पूछ कर रावण ने आई रावण का गुणगान किया। भुजबल में इस आई रावण के कोई इस समय न स्थानी था, देवी का परम उपासक था बलधारी था विज्ञानी था। था देवी का वरदान उसे रण में अरि को संघारेगा, लेकिन चोरी से बचा रहा छल सिद्ध करेगा हारेगा। आई रावण ने भी बहुत पूछी सब कुशलात, रावण ने भी तार से हैं कई आदि से बात। जब कुंभकर्ण और मेघनाथ दोनों को मार गिराया है, इस दुख में मैं बेचैन हुआ तब तुमको आज बुलाया है। तब ऐसा कोई उपाय करो हो विजय हमारी बात रहे, हे विश्वजीत जैसा अब तक ऐसा ही ये विख्यात रहे। ऐ रावण ये बात सुने मन में हुआ अधीर, असमंजस में पड़ गया करूं कौन तदवीर। फिर सोच समझ कर वह बोला दुनिया में नीति प्यारी है, जो पग अनिति पर डरता है होता उसको दुख भारी है। ये रार जो लंकापति तुमने अविवेक बनकर ठानी है, अब सेना के सर्वस्व कुल की इससे भी होनी हानि है। ऐसे ऐसे रणवीरों का जिन राजकुमार ने मारा है उनको साधारण नर कहना केवल अज्ञान तुम्हारा है। वे दोनों नर नारायण है अवतार उन्होंने धारा है, अब तक तो तुमको बोध नहीं आगा पीछा ने बिचारा है। मैं तो ये उचित समझता हूँ करने का पश्चाताप करो, जब अहंकार और द्वेष भाव जा उनसे मेल मिलाप करो। रावण को भाई नहीं अहि रावण की बात, सुनते ही उनसे हुआ और प्रवज्र विष्णुपात। बोला बन राजकुमारों का जब पीबल विक्रम भारी है, तो भी अवतारी होने का निर्मूल कल्याण तुम्हारा है। अब क्षमा मांगना ठीक नहीं इससे बेहतर मर जाना है, जब तक हम स्तन में तन रहे लड़ने को ही प्राण ठाना है। जो बात तुम्हारी मानो तो अवतारी उनको ठहराऊं तो भी मुक्ति का साधन है, उनके हाथों ही मर जाऊं। अरे रावण चुप हो गया हट रावण की देख, मिट्टी मेटे नहीं कभी कर्म की रेख। फिर कहा अगर से ये कहना बाजी मुझको निजहार नहीं, मंजूर कभी सिर पर लेना इस भीषण आपका भार नहीं। लेकिन स्वामी की खातिर से अब ये पाप कमाऊंगा, सोते उन दोनों भाई को पाताल चुरा ले जाऊंगा। कामत देवी की पूजा कर उनका बलिदान चढ़ाऊंगा, निश्चर कुल में अपनी इसकी मनमानी ध्वजा उड़ाऊंगा। जब इस अधिकारी रजनी में हो ये प्रकाश सूरज का सा, तब तुम एक बात समझ लेना ऐ रावण को लिया है भागा। ये कहकर ऐ रावण उठा और राम प्रकट की ओर चला, देवी की शिक्षा भूल गया चलने हित बन कर चोर चला। पैरा चारों ओर था रक्षक थे चैतन्य, भेष बदलने के शिवा सूजा पल अन्य। इस तरह इस भाव से ऐ रावण ने
तब रूप विवेक्षण का धारा वह सादर द्वार की ओर बढ़ात हनुमान ने ललकारा। ये का विवेक्षण ने बाही में रघुपति को आयुष लेकर संध्या करने को चला गया। बाहर शिव जी के मंदिर पर अतिकाल हो गया। पूजा में मंदिर से दौड़ा आता हूँ, स्वामी नाराज न हो जाए इस शंका से घबराता हूँ। अब क्षमा प्रार्थना करने को मैं पास प्रभु के जाऊंगा। महाराज कदाचित दुष्ट हुए तो उन्हें कारण बताऊंगा। हनुमान से कपट को कुछ न सके पहचान, चला गया भीतर जहाँ सोते थे भगवान। श्री रामचंद्र और लखन लाल विश्राम कर रहे थे, दोनों सुंदर पत्तों की सैया चीते लेट रहे थे, जिस पर दोनों रघुपति की बाई और लखन सुख नींद से सो रहे थे। भू पर तरकना एक कना दिखा रखा था भाई के ऊपर। एक मंत्र सिपाही रावण ने जिसने वह माया फैलाई, मोहित समर्थक समान ये वीरों ने सुध बिछराई। रघुनाथ का चोरी जान जाना न किसी संरक्षक ने, डस लिया सब रणधेरों को उस मंत्र रूपी तक्षक ने। आई रावण दोनों भाई को कंधों पर लेकर जब निकला, नभ से तत्काल प्रकाश हुआ निशा में मानो दिनकर निकला। देखो जरा रावण ने तब जाना पूर्ण काम हुआ, चिंता सब उसकी दूर हुई सुख चैन बड़ा अभिमान हुआ। जब अवसर मंत्र असर मंत्र का दूर हुआ तब सब सेना को होश हुआ, घटना विचित्र मालूम हुई उत्पन्न में जोश हुआ। देखा वीरों ने सब तो है पर हरि की सैया खा ली है, गायब होना रघुनायक का घटना ये बहुत ही निराली है। रघुबर का पता लगाने को कोड़े कभी भालू चाऊसो जिसको, बन भाग बगीचे ठान लिए और लगे पूछन जिस जिसको। सब एक मत से कहते थे रावण की हो ये ए आरी, उस दुष्ट सुनने छल बसे कोई माया है विस्तारी है। सीता के अरण्य को उसने माया का हिरण बनाया था, योगी का कारण बेस किया जग माता को हट लाया था। निश्चुर दुष्ट निशासर से इसका पूरा बदला लेंगे, स्वामी को जहाँ छिपाया है जब थल से खोज निकालेंगे। धन समान गर्जन लगे सुरभट चौदसी और पहुंचा लंका कोट गए सिंहनाद का जोर। सब चिंता करते थे मिलकर सब दुर्घटना के कारण की, हितेत की खोज लगाते थे श्री रामचंद्र बहुत तारण की। तब पहरेदारों से पूछा कुल हाल रात का बतलाओ, जो जिसने देखा कह दो वह कुछ शंका मन में मत लाओ। हर एक ने यही कह दिया हमें यहाँ जागते चार पैर, नहीं कोई देखी बात नहीं आया नहीं कोई गैर नजर। हनुमान जी ने बतलाया मैं तो सचेत्र सुबेन रहा, हर रोज तीत रह रहता था हर तरह अपन और चैन रहा। अलबत्ता आधी रात को महाराज विवेक्षण आए थे, उद्गिन सा इन कुछ इनकी थी स्वामी के सन्मुख धाये थे। अचर से कहा विवेक्षण ने कहीं रात को गया नहीं, नियमानुसार निज माया पर सोया सचेत भी रहा नहीं। निश्चय मैंने मेरा रूप धरा ये बात समझ में आई है, ये और किसी का काम नहीं ऐ रावण को उत्पाती है। बस रूप बनाने की माया वह अच्छी तरह जानता है, उसने ये उत्पात किया मेरा मन यही मानता है। कोई भट्ट अभी चला जावे पाताल लोक में पाएगा, संदेह नहीं है कुछ इसमें सब काम बना कर आवेगा।